नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर छिद्रवाला इंटर कॉलेज के समीप सड़क किनारे खड़े मां बेटे को हाई स्पीड कार ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लिया है, रायवाला थाने खड़ी कर दी है, जबकि कार चालक को भी पकड़ लिया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सहित युवक पलट गया। गिरने से बाइक में आग लग गई। आग लगने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से झुलस गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के जेब में मिले ड्राइविंग लाइसेंस से उसकी पहचान हुई है। शिवपुर वाराणसी के रहने वाला रामसाय यादव के रूप में उसकी पहचान हुई। लंबुआ कोतवाली के मदनपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। उन्होंने ट्वीट भी किया। सीएम योगी ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की। अंकिता हत्याकांड को लेकर तमाम संगठनों के द्वारा बंद का ऐलान ऋषिकेश में सफल रहा। 5% दुकानें खुली रही। सुरक्षा की दृष्टि से सभी चौक चौराहों पर पुलिस मौजूद रही। यहां तक कि खुद कोतवाल रवि सैनी पूरे शहर में जिप्सी से गश्त करते नजर आए। पल पल की अपडेट भी अधीनस्थ पुलिसकर्मियों से लेकर उच्च अधिकारियों को देते रहे। बाजार बंद करने को लेकर कोई भी संगठन खुले रूप से सामने नहीं आया। दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को बंद रखा। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट चौकी पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अधिक जानकारी के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा जाएगा। तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी भी कब्जे में ले ली गई है। रायपुर पुलिस ने कल एक अच्छा काम किया है। उन्होंने एक मुलजिम है गुलजार, ये मिर्ज़ापुर का रहने वाला है। इसके पूर्व भी आपराधिक इतिहास है। इससे 2 किलो गांजा बरामद किया है, सॉरी 2 किलो चरस बरामद किया है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत जो है 5 लाख रुपया है। इसका पूर्व भी आपराधिक इतिहास है, जगाधरी हरियाणा में और मिर्ज़ापुर में ये पहले भी जेल जा चुका है। और इसको इस पूरी टीम को, रायपुर की टीम को, मैं 10,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। इसी प्रकार से ऋषिकेश पुलिस ने भी कल चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति हैं, सपेरा बस्ती रायपुर के रहने वाले हैं, ये अभियुक्त जगनू और साकिर, इनसे कर्मशः 2.7 और 2.3 kg गांजा लबलब, ये जो है 5 किलो है, 5 किलो का गांजा बरामद किया है। सितारगंज में भारत विकास परिषद ने 11 बेटियों की शादी कराई है। शहरवासियों ने बाराती बन आशीर्वाद दिया। सितारगंज में भारत विकास परिषद के द्वारा प्रथम सामुदायिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 11 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अग्नि के साथ फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लिया। भारत विकास परिषद हमारी एक सामाजिक संस्था है। इसके 5 सूत्र हैं, सेवा, समर्पण, सहयोग, संस्कार, और इन 5 सूत्रों के आधार पर हम लोग समाज के अंदर सामाजिक कार्यों को अंजाम देते हैं। कहीं पर भी कोई क्षेत्र के अंदर कोई बाढ़ आती है, कोई अग्निकांड हो जाता है, रक्तदान शिविर है, निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन का, मोतियाबिंद का शिविर है, स्वास्थ्य शिविर है, ऐसे तमाम कार्यक्रम हैं जो भारत विकास परिषद हमारी शाखा आयोजित करती है। और इसी क्रम में हमने इस बार निर्णय लिया कि प्रथम बार जो है हमने सरल सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया। बाराबंकी में घर से स्कूल के लिए निकली 2 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। दोनों नाबालिग लड़कियों के कपड़े रोड के किनारे बने एक नाले से बरामद हुए हैं। लड़कियों के कपड़ों के साथ साथ दोनों लड़कियों की साइकिल भी रोड किनारे ही मिली है। लड़कियों की साइकिल और कपड़े देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की जानकारी होते तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। पुलिस की छानबीन में लड़कियों की जानकारी होते ही मौके पर नाबालिग लड़कियों के परिजन भी पहुंच गए। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
छात्राएं अपने एक स्कूल जिसका नाम साइंट कॉलेज है वहां जाने के लिए निकली थी अपने साइकिल से, और यहीं पर उनके साइकिल और जो उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी वो बरामद हुई है। पुलिस ने परिजनों की सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, और इसमें हमने अपने एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में हमने 4 टीमों का गठन किया है, जिसमें हमारी जनपद की स्वाट और सर्विलांस टीम, क्राइम ब्रांच और सीओ सदर, हमारे सीओ क्राइम, ये सब इसमें अधिकारियों को लगाया गया है, और बहुत ही जल्द वो लड़कियों को बरामद करके, बच्चियों को बरामद करके उनके परिवार को सकुशल सुपुर्द किया जाएगा और घटना का नामकरण किया जाएगा। पुलिस क्षेत्र अधिकारी के बेटे ने तेज रफ्तार अनियंत्रित कार से 22 वर्षीय युवक को रौंद दिया, जिसके चलते युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं युवक के मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। पीलीभीत में बिदरा चेयरमैन के घर में घुसकर दबंग सभासद अपने साथियों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने पहुंच गया। चेयरमैन के घर हंगामे को देख आसपास के लोगों ने इकट्ठा होकर शोर शराबा शुरू किया, तो आरोपी मौके पर पुलिस को आता देख भाग निकले। वहीं पुलिस ने चेयरमैन की तहरीर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पीलीभीत में योगी सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क देने का वादा हवाबाई होता नजर आ रहा है। यहां 2 से 2.5 साल पहले भाजपा सरकार में बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। सड़क कम गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। सड़क से बेहतर सड़क के किनारे बना फुटपाथ है। लोगों का इस सड़क पर चलना भी दूभर हो गया है। एक दिन इस सड़क पर स्कूल कॉलेज से आने वाले छात्र छात्राएं अपने वाहन लेकर गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। यही नहीं, इस मार्ग पर एक बड़ा पौराणिक माता रानी का भव्य मंदिर भी मौजूद है, जहां आने वाले श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जयसंतनी मंदिर मार्ग पर हम इस समय मौजूद हैं। जो ये सड़क है वो शहर के अंदर से होकर के गैस चौराहे से होकर के टनकपुर हाईवे को ये जोड़ती है। वहीं आपको बता दें इसी मार्ग पर जो है माता देवी का जो है बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, मंदिर भी स्थित है, और तमाम स्कूल कॉलेज भी इधर ही से होकर के जो है तमाम छात्र छात्राएँ स्कूली बच्चे जो है यहाँ से होकर के गुजरते हैं। लेकिन इस सड़क की जो बात की जा रही है, वो सड़क की जो हालत है वो काफ़ी दयनीय है। हम कैमरा पर्सन चाहेंगे कि वो सड़क का नज़ारा दिखाएँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो सड़क वो कितनी हालत उसकी काफ़ी दयनीय हो गई। हालांकि अगर बात की जा रही है 2 से 2.5 साल पूर्व ही इस सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन ये सड़क जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नज़र आ रही है। तमाम यहाँ पर जो है गड्ढे हो गए हैं, जिस तरह योगी सरकार की बात किया, गड्ढा मुक्त सड़कें देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार में जो तमाम सड़क की जो हालत हो गई है वो काफ़ी देखने योग्य बनती है। वहीं कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है उस सड़क के बारे में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हर्षित अग्निहोत्री है। हर्षित जी, जिस तरीके से हम इस समय सड़क की बात कर रहे हैं, ये जयसंतरी मंदिर वाला जो मुख्य मार्ग है गैस चौराहे से होकर गुजरता है और टनकपुर हाईवे से जोड़ता है, पौराणिक मंदिर भी इस रोड पे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी, ये जो मार्ग जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये हमारे मेन बाजार गैस चौराहे से लेकर टनकपुर रोड को जोड़ता है। यहाँ पर हम माता यशवंतरी देवी का पौराणिक मंदिर है, बहुत ही पुराना, जिसकी मान्यता बहुत सारी है। काफ़ी आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, नवरात्र का समय चल रहा है, कई श्रद्धालु आ रहे हैं जिनको तकलीफ़ हो रही है, लोग यहाँ पर गिर रहे हैं, उनकी गाड़ियों से चोट लग रही है, आते जाते वक्त गिट्टियाँ उछल के लग रही हैं, आसपास की जो दुकानें हैं उनके भी शीशे टूट रहे हैं, काफ़ी जो व्यापारी हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही है, और श्रद्धालुओं को, आने जाने वाले आम जनमानस को दिक्कत हो रही है। अभी ये रोड 2.5 से 3 साल पहले ही बनाई गई थी, और इतनी जल्दी इस रोड का बिल्कुल ही उखड़ जाना, ये एक बहुत ही बड़े भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है रोड। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर रोड से ज़्यादा व्यक्ति फुटपाथ पर चलने को मजबूर है, फुटपाथ ज़्यादा अच्छी है रोड से, रोड की जो हालात हो गए हैं, रात में यहाँ पर कई बार कई लोग गिरते हुए देखे गए हैं, चोट लगी है उनके, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। आम नागरिकों ने, सामाजिक संगठनों ने जिलाधिकारी से मिलकर उनको ज्ञापन देकर इस रोड की मरम्मत के लिए अभी कई बार ज्ञापन दिया है, बात करी है। काफ़ी टाइम से इस पर शिकायतें हुई हैं, 3 महीने से ज़्यादा हो गया है। पुराने हमारे DM साहब जो थे, अभी जल्दी में ट्रांसफ़र हुआ, वो आश्वासन देते रहे कि हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, हर महीने हमारी मीटिंग्स रहती थी उनसे, बट उसमें कहीं भी उन्होंने काम नहीं किया है अगर हम देखें तो। दूसरा मैं एक बात और उठाना चाहूँगा, जिसमें ये हमारा जैसे नालियों की सफाई होती है जब, तो जो भी वर्कर्स आते हैं तो वो अलग से मेहनताना मांगते हैं अपना, जिसका कोई औचित्य नहीं है मैं समझता हूँ। तो उनका कहना है कि हम अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो हम
आपकी दुकान के सामने, आपके घर के सामने ही कूड़ा डालेंगे और ये उठेगा भी नहीं, 15 दिनों में नहीं उठेगा। इस चीज़ का भी हमसे पैसा लिया जाता है, ये सबके साथ है, आप कहीं भी कोई लाइन में पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ मतलब कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार दिख रहा है इसमें, और ये भी चीज़ समझ में नहीं आती है। अच्छा नहीं, क्या कुछ लगता है कि किसकी नाकामी है, किसकी कमी है? कहीं ना कहीं मतलब चेयरमैन साहब का इसमें मैं हाथ दूंगा, जो भी अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका कोई डर नहीं होना। जैसे अगर हमने उनसे कह भी दिया कि आपकी कंप्लेंट हम चेयरमैन साहब से करेंगे, तो वो भी नहीं है, उन्हें वो उनका कहना है आप किसी से भी कंप्लेंट करिए, ये तो जाता है, ये तो आपको जो भी सेवा मतलब ये आपको हमारा देना होगा, ना आपका हम कूड़ा आगे रखेंगे दुकान के, दूसरी बात ये जल्दी उठाएंगे भी नहीं, इसमें 15 दिन बाद आपका फिर वो कोई और दूसरी गाड़ी आएगी वही उठाएगी, साहब हमसे मत कहना। तो उस मौके पर हमें क्लीनलीनेस तो हमें चाहिए, देखिए सफाई तो हमें चाहिए, हम मौके पर उनको पैसा देना पड़ता है कि भैया करो इसको आप निपटाइए, ये है। और भी व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो सड़क है वो काफ़ी दयनीय हालत है यहाँ की सड़क की, तमाम स्कूली बच्चे यहाँ से होकर गुजरते हैं, कई बार यहाँ पर जो स्कूली छात्राएं हैं वो इस सड़क पर जो है स्कूटी लेकर के, अपनी साइकिल लेकर के जो है गिर जाती हैं और उनको जो है चोट वगैरह भी जो है लग जाती है। लेकिन जो सड़क की बात की जा रही है वो सड़क लगातार कई वर्षों से, जिस तरीके 2 से 2.5 वर्ष का समय हुआ है, काफ़ी लंबा समय नहीं है हुआ है, और सड़क की जो हालत है वो काफ़ी देखने योग्य है और काफ़ी दयनीय हालत हो गई है। अब देखना यह है कि जिस तरीके जिला प्रशासन को लगातार इस चीज़ के लिए अवगत कराया जा रहा है, और कितने दिन में इसका जो है समाधान हो पाता है, कब इस सड़क का निर्माण होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। पीलीभीत से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए प्रांजल गुप्ता। नवरात्र की अष्टमी को देवीपाटन शक्तिपीठ में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शक्तिपीठ में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। महंत मिथिलेशनाथ योगी ने विशेष पूजा की है। शक्तिपीठ में मां गौरी की विशेष पूजा अर्चना की गई। गोरखपुर से पुरोहितों द्वारा आए शक्तिपीठ में यहां पर पूजा करवाई जाती है। ऐसे में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। साजापुर में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सरकारी आवास न मिलने के कारण ऊंचे टावर पर यह युवक चढ़ गया है। टावर पर चढ़े युवक को नीचे उतारने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। सूचना पाकर पहुंची पुलिस युवक को नीचे उतारने की लगातार कोशिश करती रही। थाना खुटार कस्बे का यह पूरा मामला। हाइड्रा में सरकारी स्कूल में छात्रों का घास काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माध्यमिक विद्यालय सैदपुर स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों से खड़ी होकर घास कटवाते हुए वीडियो में कैद हुए हैं। देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्र यदि स्कूल में पढ़ने की जगह घास काटेंगे तो क्या होगा देश का भविष्य, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गाँव सैदपुर माध्यमिक विद्यालय का ही पूरा मामला। अपनी समस्याओं को लेकर तुलसीपुर और उजरौला तहसील के अधिवक्ता लगातार आक्रोशित हैं। तुलसीपुर का बार एसोसिएशन और अधिवक्ता पिछले 20 सितंबर से वो तहसील प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जिलाधिकारी से लेकर कई मंत्री और मुख्यमंत्री तक को इन लोगों ने अपना ज्ञापन भेजा है, लेकिन अभी तक हड़ताल समाप्त करने के लिए किसी की भी तरफ से कोई वार्ता नहीं की गई। बार एसोसिएशन शाखा तुलसीपुर ने शनिवार को अपनी समस्याओं से भरा ज्ञापन पूर्वांचल विकास बोर्ड के सलाहकार, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता साकेत मिश्र को दिया। साकेत मिश्र ने वकीलों को यह भरोसा दिलाया है कि वो जल्द से जल्द जिला प्रशासन और अन्य लोगों से बातचीत करके सभी समस्याओं का हल निकालेंगे। वकीलों का कहना है कि तुलसीपुर तहसील परिसर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, ना ही वकीलों के बैठने की उचित व्यवस्था है। बरसात के दौरान पूरा तहसील परिसर जलभराव का शिकार हो जाता है। यहाँ पर आने वाले वादकारियों को भी खासी समस्याएं होती हैं। अमेठी में घूस लेते लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित के घर जाकर लेखपाल द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कराए जाने को लेकर व्यक्ति के रुपए लिए जा रहे हैं। लगातार लेखपालों के मिलीभगत से राजस्व विभाग की छवि धूमिल हो रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। अमेठी तहसील में तैनात है रिश्वतखोर नन्हेलाल लेखपाल। पीपलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटकौर गाँव में पीड़ित के घर जाकर घूस मांगता हुआ नजर आया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।